ऐ मेरे शोषितों मेरे जाने के बाद मेरे इस कारवां को चला लेना, बड़ी मुश्किल से लाया इसे मैं यहाँ, कारवां तुम न पीछे हटा देना। ऐ मेरे शोषितों मेरे जाने के बाद। जय भीम वाले तो हमेशा से मजबूत रहे हैं और हमेशा रहेंगे सर, हमेशा रहेंगे। लेकिन जय भीम वाले जो लोग हैं वो काफी गरीब हैं, वो सामाजिक स्थिति उनकी सही नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कैसे टक्कर दे पाएंगे जय श्री राम वालों को? सर जय श्री राम वालों को टक्कर दे पाएंगे, जरूर दे पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इन लोगों ने पहले ही दबा रखा था, पहले ही हमारी जमीन जायदाद है, हमारा सब कुछ इन लोगों ने छीन रखा था। लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख करके बाबा साहब के संविधान के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं टक्कर देंगे? हम तो हमेशा टक्कर देंगे, हम इनसे संख्या में ज्यादा, सब चीज में ज्यादा हैं। लेकिन अब तो देश में बात होती है राम की, सीता की, धर्म की, धर्म को मजबूत किया जा रहा है, हिंदू धर्म बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। सर अब तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा सर, कभी भी नहीं बनेगा सर, कितना भी कोई कोशिश कर ले हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता है, ये बुद्ध का देश है, बुद्ध जी ही बनेगा। लेकिन हिंदू धर्म से क्या क्या दिक्कत है सर आपको? हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, भेदभाव है, अत्याचार है। कि मिशन मूवमेंट में जो नशा है ना वो किसी और में नहीं है। लेकिन दानवीर जी अभी आप यंग हैं, आपके पास तो काफी समय है, आप दूसरे फील्ड में जा सकते हैं, मिशन में क्या मिलेगा सर आपको? अरे सर हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मिशन में, हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर पाए, हम तो काफी बहुत लंबी सोच रखते हैं, मिशन में मर मिटने का हौसला रखते हैं हम लोग। मिशन से सर क्या मिलेगा सर आपको? सर मिशन से तो बहुत कुछ मिलेगा, मिशन से महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको हम नहीं भूल सकते ना, ये हमारे अंदर एक तीस है, हमारे कहने से अगर दस में से अगर एक बंदा भी अगर बाबा साहब के मिशन से जुड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन सफल होगा। अच्छा कितने पढ़े लिखे हैं और प्रोफेशन सर क्या है आपका? जी मैं BSc होल्डर हूँ, ज्यादा कुछ नहीं हूँ, और मैं अपना मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा फिर जिंदगी कैसे कटती है, मतलब रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी क्या है, मैं अपना एक प्राइवेट जॉब भी करता हूँ जो मिशन से, तो जब भी हमें टाइम मिलता है या जब भी कोई हमें प्रोग्राम के बारे में कोई सूचना मिलती है तो हम बिल्कुल पहुँचते हैं, छुट्टी लेकर के कैसे भी पहुँच देना जरूरी है। जय श्री राम की बात देश में करते हैं और जब अदर कंट्री जाते हैं तो बुद्ध को ले आते हैं, यही तो उनका दोगलापन है सर, यही दोगलापन है। बुद्ध को बताते हैं हमें बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे बुद्ध की बात नहीं करने देते, FIR दर्ज करा देते हैं, किसी को वहां पे मरवा देते हैं, क्या देखना रहे हैं आप? लेकिन धम्म दीक्षा दी गई थी इस बार, तो जिन लोगों ने दिलाई धम्म दीक्षा उन पर मुकदमे दर्ज हो गए, उनके पद छीन लिए गए। हाँ पद छीन लिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मिशन मूवमेंट में तो कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी दे के भी हम लोग हमें अपने मिशन को छोड़ देंगे, पद जा सकता है लेकिन अपना मिशन थोड़ी जा सकता है, मिशन तो हमेशा चलता रहेगा ना। जो बिहार के शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर यादव, उन्होंने कहा कि जो रामचरितमानस है तुलसीदास ने उसको लिखा था, उस किताब को, उसमें बताया गया था कि ढोल द्वार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो वो जो उनके जो ग्रंथ है उनको ब्राह्मणों ने उनको लिखा, अब उनकी व्याख्या की जा रही है तो काफी विरोध झेलना पड़ रहा है उनको। जी बिल्कुल झेलना पड़ेगा ही, क्योंकि सरकार इनकी है, लेकिन सत्य को कभी आँच नहीं आती, सच को कभी भी आँच नहीं आती, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन्होंने सत्य कहा है, सच कभी भी दबता नहीं है, झुकता नहीं है। सर मैं आपको एक बात बता दूं, राम नाम सत्य बोला जाता है, ये राम नाम की बात करते हैं, अगर राम नाम सत्य है तो फिर बर्थडे पर क्यों नहीं बोला जाता, किसी की शादी विवाह होते हैं तब क्यों नहीं बोलते, और जब कोई मर जाता तब बोलते हैं राम नाम सत्य, सत्य है तो फिर बर्थडे पर बोला करो ना। हाँ लेकिन एक धीरेन्द्र शास्त्री है कथावाचक, बहुत तूती बोल रही है आजकल उनकी, तूती बोल रही है, वो पागलों का मूर्ख बना रहा है, मूर्ख खुद भी मूर्ख है और औरों को भी मूर्ख बनाता है। लेकिन वहां तो पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं उसके, पढ़े लिखे लोग केवल उसी के कैटेगरी के जा रहे हैं जो बाबा साहब को नहीं जानते हैं, जिन्होंने बाबा साहब को जान लिया ना वो घबरा जाते हैं, आपने पता नहीं है बाबा साहब के सामने मनुवाद हिल जाता है, एक अगर बाबा साहब का मानने वाला हो और दस वो हो तो जीत नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से बाबा साहब को पढ़ा है, जमीनी स्तर से बाबा साहब के इतिहास को पढ़ा है हम लोगों ने, ये तो बस झूठ मिथ्या वाली बातें करते हैं। लेकिन दानवीर जी स्कूलों में तो हमको सरस्वती पढ़ाई गई थी, एक फोटो रख देते हैं और सावित्रीबाई फुले कहीं बात नहीं होती है। देखिए सावित्रीबाई फुले ही हमारी शिक्षा की देवी हैं, बाकी जो फोटो लगा देते हैं वो कुछ नहीं है, उसका जन्म कब हुआ कोई बताएगा क्या? उसका जन्म हुआ उसका माँ बाप कौन है, कहाँ से आई, उसके क्या भाई बहन थे, कोई अता पता कुछ है क्या उसका? सरस्वती देवी जो बता दिया हम उसी को मानते चले, यही तो अज्ञानता है।
परंपरा चली आ रही है। परंपरा से क्या मतलब है, परंपरा तो बहुत काफी गलत चली आ रही थी। जो ग्रंथ लिखे उनमें इनको सबको बना गया बड़ा हीरो, इनको तो बनाएंगे ना, लिखा भी ब्राह्मणों ने लिखा है, मनु ने लिखा है, इनके बाप दादाओं ने लिखा है, तो ये तो हीरो बनाएंगे ना उसको। अच्छा, असल बात कहाँ बताते हैं ये लोग। लेकिन ये तो पूरे देश में स्कूलों में पढ़ा जाता है, बच्चों को शुरू से पढ़ाई जाती है कि ये सरस्वती आपकी ज्ञान की देवी है। ज्ञान की देवी को मुझे कोई बताए उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे ज्ञान की देवी, कितनी डिग्री थी उनके, उसके पास डिग्री कितनी थी, कहाँ से प्राप्त की उसने डिग्री, कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त की, मुझे बताए ना कुछ, कोई बताए। अच्छा, लेकिन जो रामचरित मानस है काफी विरोध भी हो रहा है उनका, चंद्रशेखर जो यादव है शिक्षा मंत्री है बिहार के, काफी उनका विरोध हुआ है। एक परामंश है अयोध्या के संत, वो कह रहे हैं कि मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा इसकी जीभ काटिए। अरे जीभ काटने की बात कर रहे हैं, वही सामने आ जाए तो उसकी जीभ कट जाएगी ना सर। ये ऐसे हिट ऐसे भाषण दे देते हैं, हेट स्पीच में आता है, इन पे मुकदमे क्यों नहीं करती सरकार। मुकदमे इन्हीं की सरकार है सर, यही तो प्रॉब्लम है। बहुजन समाज को जागना होगा, इकट्ठा होकर के अपने समाज को मजबूत करने के बाद में अपनी सरकार बनानी होगी, तब इनको ईंट का ईंट का जवाब पत्थर से तब दिया जाएगा सर। अच्छा दानवीर जी, आप मिशनरी गाने गाते हैं, सबसे ज्यादा किसके गाने गाए आपने, कांशीराम के, बाबा साहब के या फिर संत रविदास जी के। जी मैं बाबा साहब को ज्यादा गाता हूँ, बाबा साहब के मैंने लगभग 250-300 गीत हैं, मैंने खुद अपने लेख से लिखे हैं और जिनको मैं लॉन्च भी करता रहता हूँ, और अभी कुछ रिकॉर्डिंग भी करनी है मुझे। मैं केवल गौतम बुद्ध, बाबा साहब और बहुजन समाज के सभी अपने महापुरुषों पर गीत लिखता हूँ। अच्छा, और मैं मिशन मूवमेंट से काम कर रहा हूँ सर, जमीन स्तर से काम करते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, मैं अकेला आया हूँ दिल्ली में। और कभी आप, मेरा यूट्यूब चैनल भी है मेरे नाम से है दानवीर गौतम, उसको आप अपने दर्शकों से, मैं कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि सभी लोग देखें। और सर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हमेशा बाबा साहब और गौतम बुद्ध अपने मिशन मूवमेंट से ही गीत लिखता रहूं। और सर एक बात और बता दूं, मुझे काफ़ी मनुवादी जो विचारधारा के जो गीत हैं काफ़ी ऑफर आते रहते हैं कि आप दानवीर जी यहाँ पे आइए, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन सर नहीं जाना मुझे, मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टीस होती है, मुझे गौतम बुद्ध और बाबा साहब के समाज से आता हूँ मैं, जिस समाज से मैं आता हूँ उनको मैंने पढ़ा है, तो सर मैं उनको जानना ही नहीं चाहता हूँ, उनको देखना भी पसंद नहीं करता। और मेरे घर में सर आपको कोई भी मनुवादी विचारधारा की कोई तस्वीर, कोई कुछ भी नहीं मिलेगा सर, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध का बेटा हूँ, बाबा साहब का वंशज हूँ, बाबा साहब से ही मैंने शिक्षा प्राप्त की है, उन्हीं की दया दृष्टि से आज मैं लिखने का और गाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो हमारे दर्शक है, क्या कहना चाहोगे सर उनके लिए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट से जुड़िए सब, और इस कारवां को, जो बाबा साहब ने कारवां जो छोड़ के गए हैं, उस कारवां को बढ़ाइए। एक गीत के माध्यम से मैं थोड़े से चंद लाइन में आपको बता दूं, बाबा साहब ने अपने अंतिम दोनों में कहा था कि ए मेरे शोषितों मेरे जाने के बाद, मेरे इस कारवां को चला लेना, बड़ी मुश्किल से लाया इसे मैं यहाँ, कारवां तुम न पीछे हटा देना, ऐ मेरे शोषितों मेरे जाने के बाद।